हाय गाइस, आज हमारी क्लास है जो कि आपने को कुछ बात पूछी थी, डाउट पूछा था उस पे से है कि आस्की तो एक्चुअली क्या है। आस्की और मैंने किस तरह से एका बाइनरी लिखा, तो ये हमारे सिलेबस में भी एक्चुअली आता भी एग्ज़ाम में कि आस्की क्या है, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। तो देखिए आस्की क्या है, ये है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की क्या है अपना, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ, ये कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली आस्की का काम क्या है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डिफाइंड करती है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड किस तरह से, जैसे इंग्लिश एक हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप कहीं भी जाओ तो जो अपने कोई भी चीज़ है उस पर इंफॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी होती है, तो आप दुनिया में कहीं भी जाते हो, वर्ल्ड में कहीं भी जाते हो, तो इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है। सिमिलरली जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ये कंप्यूटर हैं उनसे रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आमतौर पे आस्की और IEEE डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आस्की ने जो कि जो स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये है कि भाई यार, जैसे कोई भी जो डिवाइस बन रहे हैं, क्या है कंप्यूटर हैं, वो आपस में एक दूसरे क्या रहे हैं दुनिया में, हर जगह पर कंफर्टेबल रहे। ठीक है ना, अगर एक डिवाइस इंडिया में बन रहा है, एक US में बन रहा है, एक चाइना में बन रहा है, तो सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए क्या है एक स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है ना। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो इंडिया में कुछ डिवाइस कुछ और परफॉर्म करेगा, US में कुछ और परफॉर्म करेगा, कहीं और कुछ परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आस्की ए की वैल्यू मानता है 65, मतलब 65 का बाइनरी, 65 का बाइनरी। ठीक है ना, अगर मान लो चाइना में 65 की जगह वो 70 का बाइनरी मानने लगेगा तो क्या होगा, चाइना कीबोर्ड अमेरिका में नहीं चल पाएंगे, इंडिया में नहीं चल पाएंगे। या जैसे कोई आई बॉल है, आई बॉल सिंगापुरी कंपनी है, आई बॉल है, मान लो आई बॉल एक कीबोर्ड है आप यूज़ करते हो किसी और कंपनी के, तो उसने क्या करा कि जो आस्की का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी जो भी है, ए बी सी डी हो या प्लस माइनस हो, कुछ भी हो, कैपिटल अल्फाबेट्स हो या स्मॉल अल्फाबेट्स हो, इनकी वैल्यू ये प्लस माइनस हो, प्लस माइनस हो, स्पेशल सिंबल्स हो, कुछ भी हो, एट द रेट हो, हैश हो, जो स्पेशल सिंबल्स हैं कीबोर्ड पे, जो स्पेशल सिंबल्स, इनकी वैल्यू क्या है, इनके बाइनरी की वैल्यू को प्री डिफाइंड ही डिफाइंड कर रखा है किसने, आस्की ने। तो पूरी दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना कीबोर्ड बनाता है, अपना डिवाइस बनाता है, तो वैल्यू को इसी फॉर्मेट में रखता है। तो वो 65 का बाइनरी ए के लिए रखेगा, बी के लिए 66 का रखेगा, तो 26 ये कैरेक्टर हो जाते हैं, फिर ए बी जो जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उनके कैरेक्टर्स रखेगा प्लस माइनस के, ऐसे ही अपनी न्यूमेरिकल्स हैं 1 2 3 4 से लेके 9 तक, 0 भी, ये भी क्या है अपने, इनकी वैल्यू भी बाइनरी में रखेगा। तो इन सब की वैल्यू को क्या है, आस्की ने बाइनरी में डिफाइंड कर रखा है कि आप इसका जो है
बाइनरी लिखो और उसके फॉर्मेट में। देखो क्या होता है आमतौर पे, जब आप किसी कंप्यूटर पर ए प्रेस कर, कीबोर्ड पर ए प्रेस करोगे तो कंप्यूटर में क्या जाएगा, वो ए नहीं जाता, कंप्यूटर ए बी सी डी नहीं समझता, वो समझता है बाइनरी वैल्यूज को, समझता है जीरो और वन को समझता है। तो जब आप ए इंटर करते हो तो क्या जाता है, 65 का बाइनरी जाता है कंप्यूटर के पास। वो कंप्यूटर इससे समझ लेता है कि हाँ ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ये क्या है, ए, ठीक है ना। कंप्यूटर के फॉर्मेट में चीज़ को समझता है वोल्टेज, वोल्टेज मतलब जीरो और वन के, मतलब 0 वोल्ट और 5 वोल्ट में, ठीक है। ऐसे बी प्रेस करोगे आप तो 66 का बाइनरी जाएगा, ऐसे प्रेस करोगे कुछ एट द रेट का भी कोई बाइनरी होगा ये भी जाएगा, तो इससे कंप्यूटर समझ लेगा कि जो मेरे पास आ रहा है वो ये है, और वो उसे क्या करेगा अपने स्क्रीन पर डिफाइन कर देगा। तो ASCII क्या है हमारा, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं डिवाइसेस के अलग अलग वो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्यों स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सेम फॉलो हो, तो हर जगह जो है वो यही वैल्यू इंटर। अगर मान के चलो कोई दुनिया में, जिसमें मैंने बताया कि चाइना का 70 यूज़ कर लेता है, तो उस वहाँ की बोर्डों में क्या होगा, आग वहाँ की बोर्ड यहाँ कंप्यूटर में लगा दोगे, ए प्रेस करोगे तो 70 चला जाएगा, तो 70 के लिए कंप्यूटर में कुछ और वैल्यू है, ठीक है ना। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो 70 कुछ और समझ रहा है, यहाँ पर वो 65 वो कुछ और समझ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी, तो इससे बचने के लिए ASCII ने क्या किया, सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिफाइन किया। अब आपका था कि मैंने 65 का बाइनरी किस तरह से लिखा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था 8421 कोड, 8421 कोड मैंने आपको बताया, अगर 8421 में आप 13 लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे डेसिमल का, 8421 के अकॉर्डिंग आप बाइनरी लिखना कैसे लिखोगे, 8 का कितना लिख लोगे, देखो 13 होता कितना है, 8 + 4 + 1 13 होगा, 8 + 4 = 12 + 1 = 13, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको वन कर लेंगे, इसको वन कर लेंगे, इसको वन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप एक बात देखो, ठीक है, तो ऐसे आप और भी 15 तक लिख सकते हो। अगर आप देखो बात देखो तो किस, देखो ये सब किसके फॉर्म में जा रहा है, 2 की पावर के फॉर्म में जा रहा है। किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है, 1, मतलब ये कितना है 2 की पावर 0, कितना है 1, ये कितना है 2 की पावर 1, ये कितना है 2 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 3। देखो बाइनरी में जो भी होता है वो 2 की पावर में होता है, क्यों, क्योंकि दो ही यहाँ पर डिजिट हैं, आइदर 0 है और या 1 है, तो बिट कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, आइदर 0 या 1, तो जो भी होता है 2 की पावर में होता है। जैसे आप देखते हो 1 GB का मेमोरी कार्ड आता है, 2 GB का मेमोरी कार्ड आता है, 3 GB का, 4 GB का मेमोरी कार्ड आता है, सॉरी 8 GB का आता है, 16 GB का, 32 GB का, लेकिन आपने 20 का नहीं आता। आप सोचो 3 GB का मेमोरी कार्ड हो, 5 GB का मेमोरी कार्ड हो, 6 GB, ऐसा नहीं होता, ये 2 की पावर के फॉर्म में जाता है। तो बाइनरी में सब कुछ किसके फॉर्म में होता है, 2 की पावर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, इस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। तो अब मुझे मालूम है मुझे किसका बाइनरी लिखना है, 65 का, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 64 32 16 8 4 2 1। अब मुझे लाना क्या है, 65 लाना है, 65 काय का लाना है, बाइनरी का। 65 कब आएगा, 64 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 65। तो मैं इसको वन कर लूँ, इसको वन कर लूँ, बाकी सबको क्या कर लूँ, 0 कर लूँ, ये मेरा क्या आ गया, 65 आ गया, ठीक है। मान लो इसी में मुझे 70 का निकालना या किसी और का निकालना, चलो 64 32 16 8 4
2, 1। अब मुझे सपोज करो निकालना है, मैं निकाल लेता हूँ 92 का निकाल लेता हूँ। चलो 92 का बाइनरी क्या हुआ, काय काय से आएगा 92, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरा 80, 80 प्लस 8 कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस 4 92। देखो एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हीं के प्लस होने से होगा, आप चाहो किसी और नंबर को प्लस करने से 92 ले आऊँ तो आएगा ही नहीं, है ना। 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरा 80, 80 प्लस 8 कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस 4 92, ये बाकी कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, बाकी ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0। तो बाइनरी कितना आ गया 92 का 101110। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग नंबर के लगभग बाइनरी निकाल सकते हो अगर आप पूरा प्लस करके देखोगे 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो ये लगभग 127 तक के बाइनरी आप निकाल सकते हो। जैसे हम 8421 वाला देख रहे थे तो उससे 16 तक के निकल रहे थे, इससे कहाँ तक के निकल जाएंगे 127 तक। इससे आप भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, 128 कर लो तो आप उसके आगे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये क्योंकि आस्की है, आस्की कितने बिट तक का कोड है, 8 बिट का कोड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बल्कि आस्की कितने बिट का कोड है, 7 बिट का कोड है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, आस्की ने 7 बिट तक के जो अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशल सिंबल हैं, उन्हें डिफाइन करा है। मतलब आस्की की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, 127 तक, ठीक है ना। तो अगर आप लिख भी सकते हो कि आस्की कहीं किसी एग्जाम में भी पूछे तो आप बता सकते हो कि आस्की की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 127 तक। कितना बिट कोड है, वैसे तो 8 बिट है लेकिन 7 बिट कोड भी ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आस्की है, आस्की का एक आपका टॉपिक हो गया है इसमें, और इसके साथ आपने लिखना सीख लिया किस तरह से आप लिख सकते हो बाइनरी अलग अलग नंबर का 127 तक। तो इसमें अगर आप, चलो एक नंबर और लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, मान लो 80 है, मैं 80 का बाइनरी मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूँगा, 64 32 16 8 4 2 1। अब 80 कितना होता है, 16 प्लस और 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरा 80, बाकी सब क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये मेरा किसका बाइनरी आ गया, 80 का, ठीक है। इस तरह से आप कोशिश करना, आप अपनी तरफ से लिखना 110 का बाइनरी। सिमिलरली आप कुछ वो नंबर 95 का बाइनरी लिख कर देखना, या आपको चलो होमवर्क है, आप इनके बाइनरी को लिखने की कोशिश करना कैसे इनके बाइनरी को लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आस्की काम करता है। आस्की एक स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं अलग अलग जो नंबर हैं उनके बाइनरीज को डिफाइन करने के लिए। और भी चीज़ों में आस्की यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये आस्की जो है आमतौर पे अलग अलग नंबर के बाइनरीज को दिखाने के लिए यूज़ होता है। क्यों इसलिए यूज़ होता है कि पूरी दुनिया में जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, सेम रहे, ठीक है। चलो बाय।